सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। फैमिली दिस इज द फ्रेंड मोहित बैक विद अदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस आज बहुत टाइम हो गया था यार सुपर बाइक का व्लॉग नहीं डाला था, तो आज हम फिर से अपने पाजी के पास आए। पाजी की हालचाल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। अब जब भी हाथ मिलाओ तो पहले दोस्तों ध्यान रखो, ये सबसे काम की चीज है। एंड मोहित भाई पहले हाथ दिखाओ। कोरोना वायरस भाई, कोरोना वायरस ने आज की डेट में बहुत ज्यादा ही काम खराब कर रखा है। तो मेक श्योर गाइस कि सैनिटाइज योर हैंड, दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं सबसे पहले डिलीवर करना चाहता था एक वीडियो के अंदर। आपके जैसे मेरे मोहित भाई आए हैं, इनसे हाथ में बोलो, इनसे गले में बोलो, तो वो बात बनेगी नहीं। गले में उसके बिना काम हमारा नहीं चलेगा। एंड सबसे पहले पाजी कांग्रेस, अरे चैनल के लिए थैंक यू सो मच। फाइनली हमारे भाई ने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। एंड पाजी ये बताओ जो हमारे भाई का चैनल है किस नाम से चैनल का लिया? मेरा नाम है जसनीत सिंह। बिल्कुल सही, एक छोटा सा प्यारा सा चैनल बनाया है छोटे भाई ने, जसनीत सिंह के नाम से ही चैनल। सो गाइस जल्दी से जाके पाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सो पाजी ये बताओ क्या क्या कंटेंट डालो, पहले आप ये बताओ। उसके ऊपर लगा लो बस, अभी जैसे एक एक्सक्लूसिव फैक्टर मैंने रखा हुआ अपने चैनल के ऊपर कि वहां पे मैं मोस्टली एक या दो बाइक ही शोकेस करता हूँ, एक सिंगल सिंगल बाइक का ब्लॉग बना रहा हूँ। okay. क्योंकि अभी जैसे आपके साथ होता है कि मैं कलेक्टिव पूरा लॉट दिखाते हैं आप सबको। हाँ जी। लेकिन कई लोगों को होता है कि एक स्पेसिफिक बाइक की सारी डिटेल्स चाहिए कि उसका कैसी चलती है, उसकी क्या आवाज है, हर कुछ उस बाइक के बारे में सब कुछ अगर जानना चाहते हो तो उस एक स्पेसिफिक बाइक का एक्सक्लूसिव व्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। okay. बाकी मोहित पाजी के चैनल के ऊपर आपको मेरा सारा लॉट मिल जाएगा, मेरे पास क्या क्या बाइक्स हैं, पूरे लॉट में क्या क्या चीज अवेलेबल है, सो दैट आपको एक जायजा हो जाए कि सरस्वती मोटर्स पे, सुपर बाइक्स पे, सरस्वती मोटर्स पे कितनी रेंज से लेके कितनी रेंज तक की बाइक्स खड़ी हुई है। okay. तो वही चीज है। बाकी रोहित पाजी का, मोहित पाजी का चैनल दोनों का काफी मस्त चल रहा है, माइक सेटिंग व्लॉग। थैंक यू पाजी। एंड 1 मिलियन के लिए भी कांग्रेचुलेशंस, मेरी मेरी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू पाजी। तो ऐसे इनके चैनल को भी सबसे पहले सब्सक्राइब करो, मैं आ गया हूं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। कुछ कवर करते हैं बेसिक 300 सीसी से लेके बड़े बड़े हाथी है मेरे पास जो आप पीछे बैकग्राउंड में अगर देख पीछे तो तीन इतने बड़े बड़े हाथी खड़े हैं, तीन खड़े हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि तो आपको 300 से लेके 2300 सीसी तक की बाइक आज के ब्लॉग में देखने को मिलेंगी एक्सक्लूसिवली ऑन द चैनल ऑफ माय एक्साइटिंग व्लॉग्स। प्लस गाइस एक बार बता दो, पाजी ने भी नया चैनल बनाया, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए सो आपको माय एक्साइटिंग व्लॉग्स एंड जसनीत पाजी को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है, इनका चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप यहाँ पे आके दिखाओगे कि आपने माइक सेटिंग व्लॉग एंड जसनीत सिंह को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रखा है, तो अगर आप यहाँ पे आके दिखाते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पक्का है। अरे वो तो कहने की बात ही नहीं है, दिखाना है तो जो फाइनल प्राइस में डील होगी उसके ऊपर डिस्काउंट दे दूंगा। अरे किसी भी रेंज की हो, चाहे वो 50,000 की बाइक हो, 50 लाख की हो। ओके तो चलेगा, बातें बहुत होगी, चलते हैं शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। पहले शुरुआत करते हैं समथिंग विच इज अगेन पॉकेट फ्रेंडली, एंड पॉकेट फ्रेंडली के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन सुपर बाइक के अंदर आता है कावासाकी निंजा 650। नाउ दिस बाइक ओवर हियर इज अगेन इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ, कावासाकी निंजा 650। ये गाइस ये अभी जो नया मॉडल एक्चुअली मार्केट में आ रहा है उससे एक पहले वाला मॉडल है। दिस वॉज ए नॉन ABS वन, पहले आपको क्लियर करता हूँ मैं चीज़ें, ये नॉन ABS बाइक थी, 2014 मॉडल है। एंड इसके अंदर अगर एक्सेसरीज की बात करें तो आपको इसमें स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स मिलती है हेल की तरफ से, HEL की तरफ से। ओके साथ ही में ये फ्रंट टॉल विंडस्क्रीन मिलती है, एंड दैट्स इट। इसमें इसके अलावा कुछ भी एक्सेसरीज नहीं लगी हुई है, स्टॉक है पूरी, बाकी गाड़ी स्टॉक है, स्टॉक एग्जॉस्ट है। एंड बाइक चल चुकी है लगभग 18,000 किलोमीटर्स, एंड दिस इज़ अ रियली वेल केप्ट मशीन। इसमें पिरेली के टायर्स लगे हुए हैं, एंड अगर आप इसके ओवरऑल लुक देखोगे तो दिस इज इंडीड अ वेरी वेल केप्ट मशीन। तो ये हल्की है, अच्छी है, इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर मशीन, इसको आप डेली ड्रिवन की तरह भी चला सकते हो, एंड कहीं बाहर जाना हो आपको टूरिंग करने में
उसके अंदर भी एक गाड़ी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स करती है। अब कॉस्टिंग पे कॉस्टिंग अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं गाइस, तो ये बाइक आपको मिल जाएगी ओनली फॉर 2,75,000 2,75,000। एंड जस्ट यार हम न्यू की बात करें, न्यू कितने की पड़ती है? न्यू बाइक उस टाइम पे थी नियरिंग 6 लाख समथिंग की थी, एंड अब उसकी बात करो तो अब तो नया मॉडल आ गया है, अब वो नया मॉडल थोड़ा सा और महंगा हो गया है, वो ओवर 7 लाख चला गया है। okay. तो ये 6 लाख रुपए की थी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 2014 26 गुड़गांव रजिस्टर्ड है एंड 18,000 किलोमीटर चली हुई है। 275 इज द एक्सपेक्टेड प्राइस एंड इस वीडियो के अंदर सारी बाइक्स की जो भी प्राइस आपको बताऊँगा सब नेगोशिएबल होंगे। तो आप एक बार सरस्वती मोटर्स को रोड बाग पर आइए, ये पार्किंग आपको जहाँ दिख जाएगी इसका मैं समझ जाना कि सरस्वती मोटर्स बस पास नहीं है। तो यहाँ पे एक ही दुकान है और वो हमारी सुपर बाइक सरस्वती मोटर्स। तो आओ बैठ के डील में चोर करेंगे, गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे लेके जाओ, चला के देखो, कंपनी चेक कराओ एंड प्राइस ऑलवेज नेगोशिएबल। चलिए इसके बाद चलते हैं कुछ क्रूजर में, कुछ बढ़िया दिखाता हूँ आपको, विच इज़ समथिंग स्टैंडिंग राइट है। दैट इज़ योर रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 क्रोम। चलिए ये जो क्रोम है इस पे मतलब रैपिंग ये करवा रखी है या क्रोम कलर में ही अवेलेबल है? कोई रैप नहीं है या कुछ नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली प्योर क्रोम। ओके, दिस इज द क्रोम एडिशन, बिल्कुल शीशा देख रहे हो। अभी हम व्लॉग करते हुए दिख रहे हैं, कैमरा दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ। दिस इज प्योर क्रोम एंड दिस इज द स्पेशल एडिशन, लिमिटेड एडिशन कह सकते हो इसको, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 के अंदर। नाउ दिस इज अगेन 650 cc's। इसका भी इंट्रोडक्शन क्या दूँ, ये पैलेट ट्विन मोटर है, ये एक एग्जॉस्ट यहाँ लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज अ पैलेट ट्विन मोटर। ओके, अनलाइक दी हार्ली डेविडसन वी ट्विन होती है, उसका यहाँ पे अगर सिलेंसर होता है ऐसे वी शेप में होता है और दोनों पाइप्स एक यहाँ से आ रही होती है, एक यहाँ से आ रही होती है हार्लीज के अंदर। अभी उसको भी चलेंगे। तो वी ट्विन क्या होता है, थोड़ा अग्रेसिव होता है और थोड़ी गर्म भी ज़्यादा होती है। पैलेट ट्विन में वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, ये गर्म बिल्कुल भी नहीं होती है, बट नॉट दैट कंसिडरेबली हॉट जितनी एक हार्ली हॉट गर्म होती है। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है इसका इंजन। एंड रही बात इस बाइक की, ये 2019 मॉडल है गाइस, गाड़ी चल चुकी है लगभग आई थिंक 4,073 किलोमीटर चल चुकी है। क्रोम एडिशन है, एक्सेसरीज़ में कुछ खास नहीं लगा हुआ है, आगे आपको ये छोटा सा फ्रंट वाइज़र मिल जाएगा, उसके अलावा इसमें रॉयल एनफील्ड की तरफ से इंजन गार्ड्स लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द ओनली एक्सेसरी विच हैव बीन इंस्टॉल्ड इन दिस बाइक, उसके अलावा दिस इज़ नॉट मच। एंड रही बात नई की, ये गाड़ी नई पड़ती है नियरिंग 3,40,000 समथिंग की, 3,40,000 से भी ऊपर की ये बाइक पड़ती है आपको ऑन रोड, और छोटा मोटा 5-7 हज़ार की एक्सेसरीज मंगा लो तो लगभग 3,50,000 की गाड़ी आपको पड़ती है। सरस्वती मोटर्स पे आपको ये बाइक मिल जाएगी ओनली फॉर 2,80,000 2,80,000 रुपये की, विच इज़ अगेन फर्दर नेगोशिएबल। लेकिन मिलेगा फॉलो करोगे तो थोड़ा सा और कंसिडर कर लेंगे आपके लिए कि चलो एक कस्टमर हमारा फैमिली में जुड़ गया है, तो यू नॉट अ कस्टमर है फैमिली मेम्बर नाउ, तो उसके अंदर भी आपको कुछ अच्छा मैं कुछ बेस्ट कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ बेस्ट नेगोशिएट दूं और बेस्ट डील दूं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा करोलबाग में सरस्वती मोटर्स पे, दिखाना पड़ेगा। यार मंडे के दिन मत आना, मंडे के दिन शॉप क्लोज होती है। बाकी नेक्स्ट जैसे मैं बताता हार्ली दिखाते हैं, तो हार्ली की पेपर जो सबसे बेसिक है शुरुआती रेंज में जो आती है, दैट इज योर हार्ली डेविडसन स्पीड 750। ये जो बाइक है दोस्तों, ये 2014 मॉडल है, गाड़ी चल चुकी है लगभग 10,000 किलोमीटर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, थोड़ी सी कंडीशन में गाड़ी हल्की है बट मैकेनिकली तो बाइक इज एब्सोल्युटली परफेक्ट और इट्स बीन सिटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये गाड़ी खड़ी में इसमें काफ़ी सारी इसके ऊपर कमियाँ आ गई थी, तो व्हाट आई मेक श्योर इसकी चीज़ें आपको पहले क्लियर करके दूँ, तो कल को मन में कोई भी डाउट ना रहे। चलने में गाड़ी में कोई इशू नहीं है, इट्स अ स्टॉक बाइक, इसमें कुछ भी एक्सेसरीज नहीं लगी हुई हैं एंड 10,000 किलोमीटर चल चुकी है ऑलमोस्ट। एंड इसका अगर प्राइस की बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 2,65,000 2,65,000 इसी के साथ आप इसके साथ देखेंगे तो इसके अंदर आएगी आपको स्पीड नॉट 750। अब ये जो बाइक है गाइस, ये एक परफेक्ट अपग्रेड है फ्रॉम द स्पीड 750 टू द स्पीड रॉड 750। अब रॉड के अंदर फर्क क्या क्या है आप आगे चेक करेंगे। आगे आपको इसके अंदर एक तो इन्वर्टेड फोक्स मिलते हैं, सस्पेंशन मिलता है काफ़ी अच्छा, इसी के साथ साथ इसमें आगे डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं, ABS है एंड इसका अगर टायर साइज चेक करेंगे तो दोनों का सीट 750 एंड रॉड का टायर में काफ़ी फर्क है। हाँ जी, दिस थिंग हैज अ वेरी ब्रॉडर टायर, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, एक परफेक्ट अपग्रेड है फ्रॉम द सीट 750 टू द सीट रॉड 750। उसके अलावा ये वाइट कलर है, दिस इज द डेनिम वाइट कलर, लिमिटेड एडिशन बाइक है ये, वाइट कलर इज वेरी रेयर टू फाइंड ऑन दी स्पीड 750 एंड इसमें एक्सेसरीज भी काफ़ी लगी हुई है।
हैंडल बार इसके रेस करे गए हैं, अप टू 2 इंच रेस किए गए हैंडल बार्स। इसका भी आप देखेंगे स्पीडोमीटर, इसका और ब्लैक वाली का देखिए, ब्लैक वाली का काफ़ी नीचे है, इसका काफ़ी ऊपर है। तो पूरी रेस किट डली हुई है फ्रॉम हार्ली डेविडसन। आगे हार्ली डेविडसन का आपको लेग गार्ड मिल जाता है, LED हेडलाइट्स मिल जाती है, एंड उसी के साथ साथ वन ऑफ द स्वीटेस्ट साउंडिंग एग्जॉस्ट द आयरन हेड। आयरन हेड का बिल्कुल बिल्कुल सुनाते हैं, आओ पहले एग्जॉस्ट सुनाते हैं। प्राइस की बात करें, प्राइस क्यों ये 2017 मॉडल है, गाड़ी चल चुकी है नियरिंग 10,000 किलोमीटर्स, बहुत सारा सामान लगा हुआ है, इट्स फुली लोडेड बाइक एंड लिमिटेड एडिशन का कलर स्कीम है। इसका जो प्राइस वी आर एक्सपेक्टिंग आर इज 5,20,000 एंड विच इज अगेन फॉर द नेगोशिएबल 5,20,000 रुपये की आपको ये स्पीड रॉड मिल जाएगी 750 विद दिस मच लोडिंग्स एंड एक्सेसरीज। न्यू गाड़ी आती है लगभग 780 की, 7,80,000 रुपये उसकी आती है स्टॉक बाइक। अगर हम बात करें एक्सेसरीज की तो इसमें हमने एग्जॉस्ट भी देखा था, आपका स्टॉक है वो, ये आयरन हेड का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ओके, दिस एग्जॉस्ट विद स्टैंड अलोन कॉस्ट यू नियरिंग 55,000 रुपीस का एग्जॉस्ट है। लगभग 18,000 रुपए के लेग गार्ड्स हैं, जो आप लेग गार्ड देख रहे हो दिस इज फ्रॉम हार्ली डेविडसन। आगे एलईडी हेडलाइट लगी हुई है, वो भी नियरिंग 6,000 रुपए की रेंज में आती है, वो भी लगी हुई है। एंड उसी के साथ से थोड़े बहुत हैंडल स्पेसेस जो लगे हुए हैं ये भी 2,200 रुपए के आते हैं। अगर एक्सेसरीज की बात करूँ तो नियरिंग 75-80,000 की एक्सेसरीज में लगी हुई है। तो ये गाड़ी आपको पड़ती है 8.5 लाख से भी ऊपर की, अगर आप न्यू लेते हो एक्सेसरीज के साथ, क्योंकि स्टॉक गाड़ी जाने में मज़ा ही नहीं आता। 8,80,000 रुपये कुछ की गाड़ी, मतलब 8.5 से ऊपर की गाड़ी आपको मिल रही है फॉर 520 विच इज अगेन फॉर द नेगोशिएबल। एब्सोल्युटली आप आओ, ये एक हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, ऐसा नहीं है कि 5,20,000 है तो 5,20 में ही दे देंगे आपको, इज नथिंग एज सच। प्राइजेस सारे नेगोशिएबल हैं हर बाइक के हैं एंड काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट नेगोशिएट होता है, दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन हाउ वी मैच्योर द डील। तो उसके लिए आप एक बार आओगे तो तब आपको कुछ समझ आएगा कि हम कैसे डील मैच्योर कर रहे हैं एंड किस प्राइस पर बाइक जा रही है। तो उसके लिए एक बार वट आई पर्सनली रिकमेंड यू इसकी टू कम ओवर और इधर टॉक टू मी, आप मुझे कॉल पर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, आई ट्राई माई बेस्ट, जो बेस्ट होगा आपके लिए करके दूंगा। चलिए लेट्स गेट बैक टू द बाइक्स। अब ये आपने देख ली व्हाइट कलर, इसी के साथ खड़ा स्ट्रीट रोड में ब्लैक कलर। ओके, तो व्हाइट एंड ब्लैक दोनों कलर ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। बिल्कुल सही। सो अब आ जाइए इसकी डिटेल्स में, आते डिटेल्स बताएं इसकी। गाइस ये भी सेम दिल्ली नंबर 2017 मॉडल है एंड इसके अंदर आपको वैंस एंड आइंस का एग्जॉस्ट मिलता है, आप देख सकते हो। ओके, एंड साथ में जो गाड़ी गर्म होती है उसके लिए आपको यहाँ पे हीट डिफ्लेक्शन पैड्स मिलते हैं। ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स व्हिच यू गेट। हैंडल बार ग्रिप्स आप देखेंगे इसके अंदर डिफरेंट लगी हुई है, उसमें दूसरी लगी हुई है। उसके अलावा इस बाइक में ऐसी कुछ एक्सेसरी नहीं लगी हुई है। एंड एक काम करते हैं, पहले एक बार इसका ना वैंसन लेंस का एग्जॉस्ट की साउंड सुनो। चलो पहले एग्जॉस्ट की आवाज सुनाते हैं आपको। ओके गाइस, बता दूं ये भी जो एग्जॉस्ट है काफी पावरफुल है इसका, है भाई ये सबसे लाउड एग्जॉस्ट है। आओ सुनाते हैं भाइयों को। ये 2017 मॉडल है ये भी एंड ये गाड़ी चल चुकी है नियरिंग 6,800 किलोमीटर, 6,800 किलोमीटर। वैंस एंड आइंस का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके अलावा देयर आर नो सच एक्सेसरीज इन दिस बाइक एज ऑफ नाउ। एंड अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका वी आर एक्सपेक्टिंग 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपये की आपको ये वाली स्ट्रीट स्लॉट 750 मिल जाएगी 2017 मॉडल। ओके, तो ये हमें पड़ेगी 5 लाख। 5 लाख ठीक है। तो गाइस आपने दिखाओ इसके, तो ये है आपकी दिस इज दी हार्ली डेविडसन आयरन 883। फुट पैक्स, टर्बी कवर्स, स्क्रीमिंगल की इग्निशन कॉइल्स, लेग गार्ड विद योर LED लाइट्स, हैंडल बार ग्रिप्स, LED हेडलाइट्स के साथ साथ अब इसमें देख लो इसके अंदर स्क्रीमिंग ईगल का ही हैवी ब्रीदर एयर फिल्टर लगा हुआ है। ओके, एंड उसी के साथ साथ जो इसकी बेस्ट चीज़ है वो है इसका एग्जॉस्ट। नाउ दिस थिंग इज रनिंग ऑन वैंस एंड आइंस कूल सिस्टम 2:1 एग्जॉस्ट। ओके, देखे होंगे, लॉन्ग रिट्स देखे होंगे, बट ये एग्जॉस्ट देखा होगा, आई कैन गारंटी यू, क्योंकि बहुत ही कम आयरन के अंदर ये एग्जॉस्ट लगे हुए हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसकी जो आवाज़ है सिंपली नेक्स्ट लेवल। चलो पहले आवाज़ सुनाते हैं। सो गाइस, पहले इसकी आवाज़ सुनिए।
बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत डिफरेंट आवाज़ है एक्चुअली, एंड आपको पसंद आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है। एंड वीडियो पे इतना आगे पता सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले जाके माइक सेटिंग ब्लॉग्स भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो जसनीत सिंह, मेरा भी चैनल है जसनीत सिंह का, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, थोड़ा सा मोटिवेट करो कि मोहित यहाँ भी एंड मैं भी कुछ आपके लिए नया कंटेंट लाता रहूं। एंड रही बात इस बाइक की, गाइस दिस इज 2017 द न्यू आयरन के अंदर आपको मिलता है न्यू सस्पेंशन, एडजस्टेबल सस्पेंशन, न्यू अलॉय व्हील्स एंड साथ में आपको इसको ABS मिलता है। दिस इज द ABS आयरन एंड मजे की बात यह है कि ये गाड़ी चली सिर्फ 2000 किलोमीटर, ओनली 2000 किलोमीटर डन। एक्सेसरीज की अगर बात करूँ तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए का इसमें सामान ही लगा हुआ है, और अगर नई बाइक की बात करूँ तो 10.25 लाख रुपए की नई बाइक आती है ऑन रोड, एंड 2-2.5 लाख की एक्सेसरीज मान के चलो तो लगभग 12.5 लाख रुपए की गाड़ी आपको सरस्वती मोटर्स में मिल जाएगी ओनली फॉर 690, 6,90,000 रुपए की, जो कि फर्दर नेगोशिएबल है ओवर द टेबल। तो जल्दी से आओ, एकदम मिंट कंडीशन में बाइक है और वैसे भी 2000 किलोमीटर, सिर्फ 2000। अगर पंजाब रजिस्टर्ड है, PB65 है, तो जो लोग पंजाब से देख रहे हो क्योंकि पंजाब में हार्ले को स्पेसिफिकली आयरन के बहुत लोग शौकीन बैठे हैं, तो जेडे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आज वो पंजाबी हो तो अड़े वस्ते गड्डी खड़ी है, लेट्स कम एंड नेगोशिएट अ गुड डील ओवर द टेबल। सो पाजी हार्ले से दिखा दी, अब आगे क्या कर रहे हैं, जो पीछे खड़ी है वो हार्ले दिखा रहे हैं कुछ, अब चलते हैं मोटे मोटे हाथियों के ऊपर। चलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, सबसे पहली जो खड़ी है यहाँ पे हार्ली डेविडसन स्ट्रीट बॉब है एग्जैक्टली। नाउ दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल बाइक इन हार्ली डेविडसन, ये मेरा मानना है कि मैंने आज तक कितनी सारी बाइकें चलाई हैं लेकिन इतने कम्फर्ट वाली बाइक आज तक नहीं चलाई। सच अ ब्यूटीफुल मशीन, इतनी कम्फर्टेबल बाइक है, ऊपर से अगर इसके अंदर एक्सेसरीज की बात करूँ तो उसमें सिर्फ आगे लेग गार्ड लगा हुआ है, पीछे की सीट लगी हुई है, ये सिंगल सीट आती है एंड साथ ही पीछे की आपको इसमें फुटरेस्ट मिलते हैं, एग्जॉस्ट स्टॉक है, बाकी सब कुछ इस गाड़ी में स्टॉक है। सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली हुई है, ऑलिव गोल्ड कलर स्कीम के अंदर, दिस इज द ऑलिव गोल्ड, ऑलिव का कलर होता है विद गोल्ड हिंट, ये आपको कलर स्कीम के अंदर मिलती है गाइस। 11,000 किलोमीटर चली है, डेली रजिस्टर्ड है एंड नीट एंड क्लीन मशीन। रही बात प्राइस की गाइस, ये आती है नई गाड़ी लगभग 14 लाख रुपए की, 14 लाख फॉर द न्यू बाइक, एंड इसके अगर प्राइस के बारे में बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 7 लाख रुपीज फॉर दिस बाइक। 14 लाख की न्यू है एंड 7 लाख की आप मेरे को वो भी है एंड ये कीलेस एंट्री है, ये जो आप चाबी देख रहे हो दिस इज कम्प्लीटली कीलेस, ये फॉब है, इस फॉब को बस आपने अपनी पॉकेट में डालना है, यू नो गुड टू गो, टेक इट व्हेरेवर यू वांट टू, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कीलेस एंट्री आपकी शुरुआत हो जाती है स्ट्रीट बॉब डायना से। ये डायना इंजन है एंड डायना इंजन की जो डायनेस्टी है, जिसकी लेगेसी है, वो आप गूगल पे सर्च कर लेना, मुझे इसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस थिंग इज लेजेंडरी, दिस इज अ लिविंग लेजेंड व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। उसी के साथ में देखते हैं तो चलते हैं द रियल लेजेंड, लिविंग लेजेंड जो सामने खड़ा है, दिस इज योर हार्ली डेविडसन फैट बॉय। फैट बॉय को अगर हिंदी में बोले तो वही मोटा बच्चा, ये मोटा बच्चा आपके सामने खड़ा है, दिस इज 103 मिलवॉकी 103 इंजन, 103 सीरीज में ट्विन कैम इंजन आता था, ट्विन कैम इसकी एक इंजन सीरीज आती है, मिलवॉकी ट्विन कैम डायनास, ये सारे इंजन सीरीज है, तो थोड़ा टेक्निकल में नहीं जाना चाहूँगा। ये जो बाइक है दोस्तों ये 1750 सीसी की है एंड दिस इज 1600, सीट बॉक्स 1600 सीसी की थी, वो 1750 सीसी की है एंड इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको बिल्कुल कीलेस एंट्री मिलेगी। आपको ये जो छोटी सी चाबी है वियर्ड लुकिंग सी, ये चाबी यूज़ होती है यहाँ पे साइड में लॉक करने के लिए, हैंडल लॉक, और बीच में जो इसका फॉब है उसको, जिसका मेन इग्निशन है उसको लॉक करने के लिए। रही बात अगर हम बात करें एक्सेसरीज की, एक्सेसरीज में क्या क्या मिलेगा? एक्सेसरीज में कुछ खास नहीं है गाइस, जिसमें सिर्फ आगे HD का लेग गार्ड लगा हुआ है, दैट्स इट। उसके अलावा जो एग्जॉस्ट है ऊपर स्टॉक है, सब कुछ स्टॉक है इस बाइक के अंदर। एंड रही बात किलोमीटर की, ये गाड़ी चली सिर्फ 4000 किलोमीटर, ओनली 4000 किलोमीटर, UK रजिस्टर्ड है, उत्तराखंड देहरादून रजिस्ट्रेशन है, ओनली 4000 किलोमीटर डन। एंड इसकी अगर प्राइस के बारे में बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग 10,75,000, 10,75,000 रुपये, सो अगेन फॉर द नेगोशिएबल, ओनली 4000 किलोमीटर डन, 2016 मैन्युफैक्चर एंड 17 रजिस्टर्ड, MY17 है। न्यू की बात करें, न्यू कितने की? न्यू तो बहुत महंगी थी यार, न्यू थी लगभग 17 लाख रुपये की, 17 लाख रुपये से ऊपर की थी, और अब जो इसका नया मॉडल आ रहा है वो तो और महंगा है, वो लगभग 21 लाख रुपये की हो गई है।
तो अभी आपको अंदर चल के ये 2017 फैट बॉय आपको अंदर चल के 2019 भी दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करना क्योंकि वरना बड़ी सारी चीज़ें आप लोग मिस कर जाओगे। तो चलिए कुछ नया दिखाता है आपको, कुछ डिफरेंट आई। अब ये आपकी आगे है नेक्स्ट सुपर बाइक जो कि आपकी बनली 300 आई। बिल्कुल 300, इसमें आई वगैरह कुछ भी नहीं आता, इसमें 300 आती है और एक 302 आती है। तो 300 आती है ये नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक में, एंड 302 आती है विद योर कंप्लीट फेयरिंग, ढकी हुई बाइक जो होते हैं फेयरिंग वाली आती है। नाउ दिस इज अगेन 300 सीसीज एंड वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट साउंडिंग मशीन जो आज तक मैंने सुनी है एक 300 सीसी की बाइक में, मतलब इससे अच्छी आवाज़ नहीं सुनी। पता नहीं बनेली ऐसा कौन सा मैजिक पोशन रोल के डाल रही है इंजन के अंदर अपने की इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें निकल के आ रही है। क्योंकि 600 आई इज़ नोन एज वन ऑफ द स्वीटेस्ट साउंडिंग मशीन एंड 300 भी अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे स्वीटेस्ट है। लेकिन उसके पीछे अगर टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो टेक्निकलिटी के अंदर भी अगर मैं आपको बहुत लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ, बहुत ही एकदम हल्के टर्म्स में, ये पैरेलल ट्विन मोटर है। पैरेलल ट्विन आपने निंजा 650 भी है, निंजा 300 भी है, सारी पैरेलल ट्विन आती हैं। ये भी ट्विन सिलेंडर है। व्हाट बेसिकली कावासाकी एंड ऑल दोस मशीन्स ये क्या करते हैं कि ऑल्टरनेट फायरिंग में चलते हैं। एक स्पेसिफिक एंगल होता है जिसके ऊपर ये रेशियो होता है, मैं बिल्कुल एक लेमैन टर्म में बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट फायरिंग के अंदर चलते हैं। और बनेली क्या करता है, बनेली के दोनों सिलेंडर्स जो हैं, अगर आप ट्विन सिलेंडर मोटर देख रहे हो क्योंकि दोनों सिलेंडर साथ में चलते हैं, तो ऑल्टरनेट फायरिंग के अंदर वो एक ऊपर गया टक 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 तो एक रेजोनेंस बन जाता है, और जब साथ में चल रही हैं तो काफ़ी स्मूथनेस आ जाती है। तो यही एक फ़र्क है कि बनेली की आवाज़ इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी क्यों होती है डिस्पाइट ऑफ बीइंग ट्विन सिलेंडर मोटर। तो आपको मैंने बहुत देसी भाषा में समझा दिया है, तो जितने भी थोड़े से अगर लोगों को जिनको नॉलेज है तो भाई कुछ गालियाँ मत देना यार, मैं बड़े ही लोगों को समझाने के लिए बस जस्ट टू एक्सप्लेन, आपको समझाने के लिए ही मैं बिल्कुल ही लेमैन टर्म से बात करता हूँ ताकि मेरी जो लोग जिनको नॉलेज नहीं है क्योंकि क्या होता है ट्विन सिलेंडर क्या होता है फोर सिलेंडर क्या होता है वो सब क्या होता है, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि इसकी आवाज़ के पीछे वो राज क्या है। तो वो राज दोस्तों यही है, ट्विन सिलेंडर मोटर विद सेम इग्निशन सीक्वेंस। ये 2019 मॉडल है गाइस, ABS वाली है, गाड़ी चल चुकी है नियरिंग 7000 किलोमीटर्स। उसके बाद इसमें आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं, एंड साथ ही साथ आपको इसके अंदर एक कस्टम एग्जॉस्ट मिल जाता है, एक रेप्लिका कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है इस बाइक के अंदर। लेकिन पाजी एग्जॉस्ट साउंड काफी पावरफुल है, एग्जॉस्ट साउंड तो है ही, नो डाउट। ये गाड़ी ऐसी है, इससे स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, तो चलो आपको पहले स्लिप ऑन की आवाज़ सुनाता हूँ। नहीं नहीं ये 300 सीसी की बाइक है, ये 300 की ही आवाज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे गवाह लिखा हुआ है और ये शेप ही बता रही है आपको। ये गाड़ी चल चुकी है पूरी 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, नीट एंड क्लीन मशीन, बिल्कुल साफ सुथरी बाइक है। एंड अगेन डेली रजिस्टर्ड 2019 ABS वाली है। नई की प्राइस की बात करें तो ABS मॉडल गाइस लगभग 370,000 रुपये का है, नॉन ABS 340,000 रुपये का है। ऑनलाइन प्राइजेस बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि भैया आप ऑनलाइन प्राइजेस नए का प्राइस बढ़ा के बताते हो, नथिंग लाइक दैट, आप कुछ चेक कीजिए। 370,000 रुपये की ये बाइक है, ऊपर से छोटा मोटा इसमें सामान लगा हुआ है 20-25,000 रुपये का। नियरिंग 4 लाख की बाइक आपको यहाँ पर सरस्वती मोटर से मिल जाएगी ओनली फॉर 2,85,000, विच इज़ अगेन फर्दर नेगोशिएबल। तो सिर्फ 2,85,000 रुपये की आपको ये बाइक मिल जाएगी। जल्दी से आओ, जिनको बनेली 300 बहुत लोग मांगते हैं, अभी खड़ी है मेरे पास, कुछ नहीं पता ये आज शाम तक भी हो या कल तक हो, अभी मैं नहीं बनूँ। तो जल्दी से वो वीडियो आप तक पहुँच रही है तो आप इसको अपना करके ले जाओ। तो गाइस 300 दिखा दी, अब आपको इसका दिखाते हैं इसका बड़ा भाई। अब चलते हैं छोटे भाई के ऊपर, बनेली 600। दिस इज द बनेली 600 आई। थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको, ये 2017 मॉडल है, ABS मॉडल है, ये भी 7000 किलोमीटर चली हुई है। एक्सिल X60 एनिवर्सरी एडिशन के एग्जॉस्ट लगे हैं, सबसे महंगे क्रैश गार्ड्स लगे हैं, LED हेडलाइट्स लगी हुई है। इसके अगर प्राइस के बारे में बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग 4,95,000, विच इज़ अगेन फॉर द नेगोशिएबल। 495 की आपको 600 मिल जाएगी। एंड उसके ऊपर चलते हैं कावासाकी में 800 सीसी के अंदर Z800। ये 2014 मॉडल है, फुली लोडेड बाइक है, बहुत सामान लगा हुआ है इसके अंदर, क्रैश गार्ड, रेडियर गार्ड, LED हेडलाइट्स, कार्बन डिप पैनल्स है इसके, कार्बन डिप्ड है, कोई रैप नहीं है इसके ऊपर, कोई पेंट नहीं है, दिस हैव बीन डिप्ड। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का डिप किया गया इसके ऊपर,
ये हो गए, इसका ये पैनल हो गया, साइड पैनल है, सारा जो देख रहे हैं बेसिकली सारे कार्बन फाइबर के है ना, ये कार्बन फाइबर ड्रिप्ड है। कार्बन फाइबर डिपिंग क्या होती है, वो हाइड्रो डिपिंग होती है, पानी के ऊपर पेंट किया जाता है ओके, और इस पार्ट को खोल के उस पानी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन अ वेरी फ्रेश न्यू टेक्नोलॉजी। तो हाइड्रो डिपिंग मैं बड़ी ये भी लेमन टर्म में समझा रहा हूँ, बहुत केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। एंड उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलता है कस्टम रेस्पिट का एग्जॉस्ट, आरएनजी के क्रैश गार्ड्स, रेडिएटर गार्ड, एबीएस स्टैंडर्ड लीवर्स मिलते हैं आपको, एडजस्टेबल, एक्सटेंडेबल एंड फोल्डेबल, तो फोल्डेबल लीवर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। एंड रही बात किलोमीटर्स की, ये गाड़ी चल चुकी है लगभग 21,000 किलोमीटर, डेली रजिस्टर्ड, वीआईपी नंबर 8888, सिंगल ओनर बाइक। एंड इसका वी आर एक्सपेक्टिंग 5,75,000, व्हिच इज अगेन फॉर द नेगोशिएबल ऑन प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी नहीं देंगे, इसके बड़े भाई की देंगे जो अभी अंदर खड़ा हुआ है, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट बड़ा भाई कौन सा होने वाला है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। सो भाई नेक्स्ट बाइक कौन सी है? अब नेक्स्ट जैसे के अंदर आ गए हैं, कुछ स्पेशल दिखाने की बात करी थी, तो वो स्पेशल खड़ी है आपके सामने, Z800 का बड़ा भाई, Z1000, 900 भी नहीं, Z1000। दिस इज समथिंग अगेन विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, 2018 मॉडल की Z1000 है। एंड बहुत ही प्यारी बाइक है, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। गाड़ी चल चुकी है नियरिंग 11,000 किलोमीटर्स एंड काफ़ी सामान लगा हुआ है बाइक के अंदर। आपको आरएनजी क्रैश गार्ड्स मिलते हैं, रेडिएटर गार्ड मिलता है, एंड उसी के साथ साथ इसमें आपको कस्टम एग्जॉस्ट मिलते हैं, SC प्रोजेक्ट के कस्टम एग्जॉस्ट है। एंड डेली रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर बाइक है। और रही बात इसके प्राइस की, वी आर एक्सपेक्टिंग 10,75,000 फॉर दिस बाइक, नेगोशिएबल। एंड Z1000 के अंदर ही अगर 1000 cc में अगर बात करें कुछ फेयरिंग वाली, तो वो खड़ी है इसके साथ में, दिस इज योर कावासाकी निंजा 1000। सो गैस बेसिकली ये आपकी हो गई नेकेड एंड वो आपकी आ गई वो स्पोर्ट्स टूरर, स्पोर्ट्स टूरर, स्पोर्ट्स टूरर मशीन। इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं, KTRC की तरफ से KTRC ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स मिलते हैं, ABS मिलता है, एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन मिलता है, तो ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आती हैं। एंड ये गाइस 2019 की बाइक है, ये चल चुकी नियरिंग 10,000 किलोमीटर्स। इसके अंदर ब्रांड न्यू सेट ऑफ फायर्स लगा हुआ है, मोबाइल फोन होल्डर एंड चार्जर लगा हुआ है, और इसके अंदर भी कस्टम SC ब्रेक के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। एंड रही बात प्राइसिंग की, इसका प्राइस जो हम एक्सपेक्ट करें दैट इज 8,90,000, 8,90,000 से के आपको निंजा 1000 मिल जाएगी, 2019 मॉडल, which is again further negotiable over the table। And guys बता दूँ पीछे इनके बाप खड़े हैं, लेकिन वो अभी हम आपको नहीं दिखाने वाले। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो गया है, नियरिंग 20-25 मिनट का मेरे हिसाब से हो गया होगा, तो बहुत बोरिंग हो जाता, तो इसी के लिए गाइस डोंट माइंड। अगर आप चाहते हो ये सब देखना लेजेंडरी बाइक्स, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक नेक्स्ट व्लॉग शूट करेंगे जिसके अंदर सारे बड़े बड़े हाथी होंगे, तो नीचे जल्दी से जाकर नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड गाइस जल्दी जाके पाजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जल्दी से यार पाजी के 1 लाख करो, थैंक यू। 1 मिलियन बोलने लगा था लेकिन उसमें टाइम लगा, 1 लाख की जरूरत हो गई, बहुत है, बाकी फैमिली जुड़ी हुई है, तो इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर मी। एंड अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो यार फॉलो कर दो, बिल्कुल सही। नीचे इंस्टाग्राम हैंडल भी है मेरा, IM जसनीत के नाम से, वैसे बता रहा हूं आपको, अगर भाई से गुजारिश करेंगे डालना होगा तो डाल देंगे, बिल्कुल सही। चले गए आज के सत्र ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई कलेक्शन लगी, तब तक दोस्तों सी यू।